अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में आपके साथ मैं ये आई लुक शेयर करने जा रही हूँ। और ये खूबसूरत सा जोड़ा जो है मुझे इंस्टाग्राम पेज, मुझे पीआर रिसीव हुआ था, इंस्टाग्राम पेज है इनका पहनावा। इन्होंने मुझे ये खूबसूरत सा जोड़ा सेंड किया है। इसका कलर, इसकी क्वालिटी, इसका डिज़ाइन, इसकी एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत है। आप इनका पेज ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से कुछ भी बाय करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये ड्रेस है। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। उसका इंस्टाग्राम का हैंडल जो है मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आई लुक, ये मेकअप बहुत ही सिंपल है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो जैसे कि आपको पता है कि समर चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये कलर, ये लुक और ये ग्लोई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँगी, क्योंकि बालों को खोल कर इतनी गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। आई होप आप लोग भी रिलेट कर सकेंगे। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, फेस मिस्ट अप्लाई किया है, इसके बाद डॉक्टर रैशल का विटामिन सी सीरम अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, मैं इस लुक में सबसे पहले जो है वो आईज़ पे काम करूँगी, लेकिन अपने फेस को पहले प्राइम कर लूँगी, ताकि जब तक मैं फाउंडेशन तक पहुँचूँ मेरा फेस जो है अच्छे से प्राइम हो सके। यहाँ पर मैं लिक्विड हाइलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं चीक बोन्स पे और नोज़ पे। उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करके छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। जो हमारे प्रेपिंग स्टेप्स होते हैं वही हमने सेम फॉलो करने हैं, ठीक है। बस यहाँ पर मैं प्राइमर लगाऊंगी, इसके बाद मैं आईज़ की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगी और सबसे पहले आईब्रोज फिल करूंगी इस लुक में मैं, उसके बाद आई लुक क्रिएट करूँगी और एंड में फिर मैं अपना बेस मेकअप करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि मुझे पीआर रिसीव हुआ था, ये इंतहाई खूबसूरत कलर है। और येलो जो है मुझे वैसे ही पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश होता है येलो कलर जब मैं पहनती हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि मैं कंटिन्यू जो है वो स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फील होता है ये कलर पहन के। बहुत एनर्जी एनर्जी सी महसूस होती है इस कलर से मुझे। तो मुझे शुरू से ही इस तरह के कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, नियोन ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनना भी, और मतलब दूसरों के ऊपर भी देखना के मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं अपनी आईज़ की तरफ आ गई हूँ, आईब्रोज मैंने फिल कर ली थी। बस यहाँ पर मैं सारी जितनी भी डार्कनेस है उसको कैंसिल आउट करने के लिए स्टिक फाउंडेशन मैंने पहले यूज़ की थी, अब यहाँ पर मैं एमिली की फाउंडेशन ब्रश में लेकर हल्का हल्का सा अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा इस लुक में कवरेज नहीं चाहिए और फोकस जो है वो मेरा आईज़ पर होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं की है और अब मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप करके अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप होगा वो होगा मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन थोड़ी बहुत अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है, जहाँ मेरे एक्नी स्कार्स वगैरह हैं उसको थोड़ा बहुत हाइड करने के लिए, नॉट टू मच, थोड़ा बहुत हाइड करने के लिए मैं फाउंडेशन हल्की हल्की सी अप्लाई करूँगी। बिल्कुल ये वाला स्टेप है ये, ठीक है। और बाहर शोर हो रहा है उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि बस काम का टाइम चल रहा है, लेकिन वॉइस ओवर करना तो ज़रूरी है। तो जी बस यहाँ पर मैंने फेस को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने जो कंसीलर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी, जैसे कि अंडर आइज़ हो गई, नोज़ ब्रिज हो गया और क्यूपिड्स बो हो गई, ब्लेंड आउट कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से और इसको अब मैं सेट कर लूँगी। यहाँ पर बैकग्राउंड में जो है मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी और पता नहीं हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, तो जिस पर मैं हंस रही थी, आई थिंक उन्होंने कोई गाना ऐसा प्ले किया था जिससे मुझे हंसी आ रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने फेस को सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बहुत लाइट कंट्रोल करूँगी, ब्लश अप्लाई करूँगी, हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और बस हमारा ये फेस मेकअप जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आईज़ की तरफ दोबारा काम करेंगे, ठीक है। तो जी
मैंने कर लिया है ब्लश वगैरह, हाईलाइटर वगैरह सब कुछ अप्लाई कर लूँगी। और इस लुक में भी मैं सेम अपना फेसिट का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आपको स्टेप्स पता चल जाएँ। मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट किया था और मैंने जितने भी मैट येलो आई शेड्स थे उन सबको ब्रश पे लगाकर और अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई किया, जैसे हम हाफ कट क्रीज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो और मुझे ये कलर इतना प्यारा लग रहा था कि मैं मुस्तकिल गाने भी गा रही थी साथ में, और बहुत मैंने इंजॉय करके ये लुक क्रिएट किया है। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन बस ये कलर जो है ना, ये मुझे बहुत बहुत एनर्जी देता है, तो मैं बस बहुत इंजॉय कर रही थी इसको। तो मैंने यहाँ पर ब्रश को दोबारा से वेट किया और आप देख सकते हैं वेट करने से इसकी पिगमेंट जो है, पिगमेंट एप्लीकेशन जो है वो कितनी अच्छी हो गई है, कितना दिख रहा है कलर। तो यहाँ से जो एजेस थे उसको मैंने फिंगर की मदद से ब्लेंड आउट कर लिए ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहें। ठीक है, और हाफ कट क्रीज की तरह मैंने इसको बनाया है और थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पर भी लेके गई हूँ। सेकेंड जो मैंने यहाँ पे कलर लिया है वो ऑरेंज लिया है ताकि ये दोनों मिलकर बहुत खूबसूरत सा लुक मुझे दे सकें, और यही हुआ कि बिल्कुल जो मेरे ड्रेस था उसके मैचिंग का ये बन गया था येलो और ऑरेंज को मिला के। तो सेम मैं इसको हाफ अपनी लिड पे अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे, मैंने आउटर वी पे कुछ भी नहीं किया है, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो बस इसको मैं देखूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ अप्लाई करूँगी, साथ साथ ब्लेंड आउट करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा। जिस तरह आप लोगों ने मेरी पिक्चर्स को इतना पसंद किया है तो आप इस लुक को भी बहुत पसंद करेंगे। तो जी बस यहाँ पर मैं बस वही देख रही हूँ कि कहाँ ज़रूरत है आप एप्लीकेशन की, मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आई शेड्स। तो बस ये तकरीबन लुक कंप्लीट हो गया है आईज़ का। अब मैं वाटर लाइन पर वाइट पेंसिल अप्लाई करूँगी, ये क्रिस्टीन की पेंसिल है और काफ़ी अच्छी पेंसिल है और अफोर्डेबल भी है। इसके बाद जो है मैं सिंपल लाइनर अप्लाई करूँगी, इसमें जो है मैंने विंग ड्रॉ किया है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है, सिंपल मैंने नॉर्मल विंग अप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद मैं जो है मस्कारा वगैरह अप्लाई करूँगी। लैशेस मैंने इस लुक में नहीं लगाई, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, और मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई लैशेस की इस लुक के साथ, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत ही सिंपल सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अब हाइलाइटर की बारी आ गई है। ब्लश वगैरह मैं पहले अप्लाई कर चुकी थी, तो यहाँ पर मैं बस जो है हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, चीक बोन्स हो गई, नोज़ का ब्रिज हो गया और क्यूपिड्स बो चेन, और मैंने यहाँ पर अपने शोल्डर बोन पे भी, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी हाइलाइटर अप्लाई किया है। तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है, जितना आपका ड्रेस से आपकी बॉडी दिख रही है, जैसे गला हो गया, तो इस पे भी अगर आप हाईलाइट करें तो आपकी बॉडी भी साथ साथ ग्लो करती है आपके फेस के, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर लैशेस को कर्ल किया है और मैंने मस्कारा का सिंगल कोट अप्लाई किया है अपनी लोअर लैश लाइन पे भी और अपर लैश लाइन पे भी। ठीक है, अपर लैशेस पे भी तकरीबन ये लुक कंप्लीट हो गया है। बस मैं थोड़ा बहुत फाइनल टचअप्स दे रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है। इसके बाद लिप्स की तरफ आ जाएंगे। लिप्स को भी मैंने बहुत लाइट पिंक टोन में रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा जो है कोई रेड टोन नहीं चाहिए थी। ये आपको इस वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कैमरे की वजह से कि मैंने बहुत डार्क कलर का वो अप्लाई किया, लेकिन ये पिंक वो था, पिंक लिपस्टिक थी, और लाइनर का कलर थोड़ा सा जो है वो कह सकते हैं कि हाँ ब्राउनिश था। ठीक है, इसमें रेड मैंने नहीं यूज़ किया। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने बाल वगैरह सेट कर लूँगी और आप देखेंगे कि एकदम से ये मैजिक हो गया है। मैजिक नहीं हुआ, मैंने बाल स्ट्रेट किए थे और हेयर स्टाइल मैंने सिंपल सा बना लिया था, इयररिंग्स पहन ली थी साथ। सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने लास्ट में पिक्चर्स भी अटैच की हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी हैं, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस सूट की डिटेल्स जो हैं इनके पेज पे मौजूद हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस अब मैं चलती हूँ इसी लुक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।